रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का लेसन है रेजन बॉम का। इसकी रिक्वेस्ट थी, मैंने कहा फिर आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ उसमें। सबसे पहले मैंने ये रोप ली है, कोई भी रोप ले लें, मोटी सी रोप नहीं है तो आप ये जो टिन के लिड होते हैं ये ले लें, ये नहीं है तो आप कोई डिश ले लें, ओवल डिश ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। मैंने इसलिए ली थी रोप कि इस पर भी काम हो रहा है, और रोप में थोड़ा सा आप वेवी इफेक्ट दे सकते हैं लेकिन बाकियों में बिल्कुल स्ट्रेट आएगा। मैंने इसके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को ग्लू कर दिया। उसका पर्पस सिर्फ यही है कि मेरा ये हिले मत ज़्यादा ना, तो रैंडम सी शेप इसको कहीं कहीं डॉट्स लगा दें, सारी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कहीं इसको आप डॉट्स लगा लें। देखिए प्रॉपर सर्कल नहीं है, अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप ओवल बना लें राउंड बना लें, ये डिपेंड्स ऑन यू। अच्छा, इसके बाद मैंने क्लिंग रैप लिया है, किचन क्लिंग रैप जो होते हैं, इसको मैं लेके इसको मैं रख दूँगी। अच्छा, ये नीचे टाइल है, ये टाइल के साथ देखिए ना ये स्टिकर भी जाएगा। मैंने यहाँ पर मैं डबल लेयर कर देती हूँ एहतियाती तौर पर, ठीक है। इसके बाद अब मैं रेजिन तकरीबन हाफ ग्लास मैं रेजिन ट्राई करूँ लूँगी और उसमें मैं रेजिन पोर करूँगी। मैं पहले मैं मिक्स करती हूँ फिर मैं आपको दोबारा इसको बताती हूँ। जी, तो मैंने रेजिन मिक्स कर ली है, मेरी रेजिन थोड़ी ज़्यादा हो गई थी इसलिए मैंने डाया भी थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अच्छा, सबसे पहले मैं एजिस पे ट्रांसपेरेंट रेजिन डालूँगी। देखिए ये डिपेंड करता है आपके ऊपर, क्योंकि आप लोगों को इतना आइडिया तो हो गया कि आपको जो कलर चाहिए आप वो जो कम्बिनेशन आप बनाना चाहते हैं आप देख लें। अब तो पिंटरेस्ट पे इतने आइडियाज़ हैं, वहाँ पर देखें, गूगल करें, जो आपको कलर चाहिए आप बनाएं। अच्छा, इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट था, मैं इसको एच तक लेके जाऊँगी। ये बहुत मोटा नहीं बनाते हैं क्योंकि ये बेंड नहीं होता। अगर आपने बहुत मोटा बना लिया ना ये बाउल, मीन्स कि आपने बहुत ज़्यादा रेजिन डाल लिया है तो वो कि जब जो जब बेंडिंग टाइम होता है ना बीच में हम लोगों ने बेंड करना है उसको, तो फिर वो बेंड होना ज़रा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, ये मैंने इसको एच तक सारा कर दिया। अब यहाँ पर मैं कलर ऐड करूँगी, अभी मैं इसको ट्रांसपेरेंट ही साइड्स पर डालूँगी। अब मैंने दो कलर्स दो शेड्स बनाऊँगी क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मेरे पास सी शेल्स थे तो मैं सी का लुक देना चाह रही हूँ, तो एक मैं लूँगी सी ग्रीन। सी ग्रीन बनाने के लिए अगर हम ये वाला ग्रीन कलर होता है सी ग्रीन कलर, ये एक्रेलिक में आ जाता है, वही मैं डालूँगी, लेकिन मैं बहुत थोड़ा डालूँगी क्योंकि मुझे ट्रांसपेरेंट बनाना है, मैं नहीं चाहती कि ये वो ओपेक हो जाए ना, तो मैं पहले थोड़ा सा ये सी ग्रीन डाल रही हूँ क्योंकि जब डलेगा इसमें ट्रांसपेरेंसी होगी। और थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा बिल्कुल जबर आए नाम ये नेवी ब्लू सा ये मैंने डाला। देखिए मेरे पास डीप सी ग्रीन सा कलर आ गया, ये परफेक्ट है। इसको मैं सेंटर में डाल दूँगी। सरफेस आपकी लेवल पे होगी तो आपका कलर भी सेंटर में आएगा, अभी रेंडमली ही जाएगा जहाँ मर्जी इसकी मर्जी वहाँ तक चला जाए, ठीक है। थोड़ा समय फिरोजी सा बनाऊंगी इस बाउंड्री के लिए, या ये मुझे लगता है ये लाइट हो गए, मैं थोड़ा सा डार्क सी ग्रीन बना लेती हूँ ताकि मैं सेंटर में जब डालूँगी तो वो डार्क लुक आ जाए इसकी। फिर मैंने थोड़ा सा उसी तरह ब्लू लिया, मैंने थोड़ा इस दफ़ा दोनों कलर थोड़े ज़्यादा लिए हैं, ये ब्लू नेवी ब्लू और यही ग्रीन, मैंने और कोई कलर नहीं लिया, बस ये इन दोनों के साथ ही मैं डार्क कलर्स बना दूँगी। पहले मैं लाइट बनाया था अब मैं डार्क बनाऊँगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, ब्लू सा है ब्लू ज़्यादा है, मैं थोड़ा सा ग्रीन और ऐड करूँगी।
असल में मेरे पास अब सरफेस ही नहीं है, मैं कैमरे के नीचे काम कर ही नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो सारा रेजिन ने कवर कर लिया, तो मुझे साइड पे करना पड़ रहा है। अच्छा मैंने ये नट के इसके सेंटर में मैं पोर कर दूँगी, वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह बना लेगा। जी तो ये मैंने साइड सब आपको बिल्कुल विजिबल होगा सारा, ठीक है। सेंटर थोड़ा डार्क हो गया और साइड्स थोड़ी लाइट है। अब मैं इसके बबल्स पॉप करूंगी। जी तो रिसेंटली बहुत ज़्यादा हीट गन भी नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि हमारे पास ये क्लिंग है और क्लिंग आपको पता है बर्न हो जाता है। जैसे यहाँ से थोड़ा थोड़ा क्लिंग बर्न हो गया है ना, वो इकट्ठा हो गया इधर उधर से है, कोई नहीं। यहाँ इस एरिया में अभी हम लोगों ने स्टोन्स लगाने हैं तो वो हमारा सारा हिस्सा कवर हो जाएगा। अच्छा मैं स्टार्ट करूँगी, मेरे पास पेबल्स हैं छोटे छोटे बिल्कुल बजरी की तरह के बारीक पत्थर हैं। मैं पहले एक पूरे लेयर यहाँ पर इसकी दूँगी, एक लाइन। असल में मुझे एजेस को हैवी करना है, बिल्कुल एजेस पे डालना है। जो अंदर चला गया तो आप उसको एजेस तक ले आइएगा। ठीक है, वो बाद में देखूंगी, मुझे जरूरत पड़ी तो मैं और डालूंगी। अच्छा ये साइज इससे थोड़ा सा बड़ा है, ये देखिए गौर करिए, ये बारीक है, ये थोड़ा सा इससे बड़ा साइज है। इसको मैं और एजेस पे लगाऊंगी, लाइक इससे भी आगे। इनको प्रेस करती जाऊंगी ताकि रेजिन में टिप हो जाए। ठीक है, अंदर डिप हो गया, इट्स ओके नो प्रॉब्लम। अच्छा इसके बाद मेरे पास ये सी शेल्स हैं डिफरेंट, अब मैं ये सी शेल्स को यहाँ एडजस्ट करूँगी, जहाँ मर्जी आप लगा लें, डिफरेंट स्टाइल्स के वो बिल्कुल और एजिस पे एज पे आ जाएंगे लाइक दिस। स्टोन्स उनके अंदर भी जा रहे हैं तो मसला नहीं। बस रैंडमली आपने इसको लगा देना है। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट रेजन और पोर करूँगी ताकि ये जो शेल्स और ये स्टोन्स हैं ये सही फिक्स हो जाए।
इस तरह से मैं इनको डिफरेंट डिज़ाइंस के मिलाते जाऊँगी। अब इसके बाद ये जो गैप्स रह गए यहाँ पर मैंने बारीक वाले स्टोन्स डाल दिए ताकि कोई जगह रह ना जाए। यहाँ थोड़ी स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, इनके ऊपर ये बारीक स्टोन्स, ये ऑप्शनल है, ये आपने एज जो बनाए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये भी एग्जैक्ट ऐसे ही बनाएं, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास चीज़ें हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप इसको छोड़ दें, जस्ट ट्राई कर लें, कलर से ट्राई कर लें। मेरे पास तो थी लकीली जिसकी वजह से मैंने ये बनाए। थोड़ा सा मैं इधर भी दूर दूर भी थोड़ा गिरा रही हूँ। जो साइड्स पे गिर गए हैं उनको मैं उठा के अंदर डाल दूँगी। दैट्स इट। अब बस मैं थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट रेजिन बना के इसके एज पे पोर कर दूँगी ताकि ये फिक्स हो जाए, क्योंकि अभी ये फिक्स नहीं है। ठीक है ना, ये मूव कर रहे हैं, ये फिक्स नहीं है। तो इसको फिक्स करने का तरीका यही है कि आप थोड़ी सी रेजिन बनाएं और यहाँ पर पोर कर दें। ठीक, तो ये मैंने ट्रांसपेरेंट रेजिन बना दी। अब मैं इसको कोई जगह ना छूटे, मैं सब जगह पर डाल दूंगी। सी शेल्स पर भी डाल दिया और स्टोन्स तो ऑब्वियसली कवर हो गए हैं। आपके पास सी शेल नहीं है तो आप जस्ट स्टोन यूज़ कर लें, वो भी नहीं है तो आप बीड्स, पर्ल्स हैं या बीड्स हैं आपके पास वो यूज़ कर लें, बड़े बीड्स और छोटे बीड्स कुछ भी डाल सकते हैं। ये तो आप आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। ये चीज़ें तो मैं एक अरसे से जमा कर रही हूँ जो मुझे काम आ जाती हैं, मुझे जो चीज़ पसंद आती है मैं ले लेती हूँ, जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें हमेशा साथ देती हैं मेरा। ये भी मैंने एक अरसा पहले ही लिए थे, शेल्स वगैरह मुझे पसंद आए थे, मैंने लेके रख लिए थे। अब लेने जाओ तो नहीं मिलते, लिहाजा बीड्स वगैरह या पर्ल्स वगैरह तो हर वक्त मिल जाते हैं, आप वो यूज़ कर लें। ठीक है, ये मैंने सबको कवर कर दिया अच्छी तरह से। अब मैं इनको 4 आवर के लिए रख दूंगी, 3 to 4 hours। स्टिकी ना हो पर फ्लेक्सिबल हो, जब मैं इसको टच करूंगी स्टिकी ना हो। मैं आपको 3 to 4 hour के बाद दिखाऊंगी, उसके बाद फिर जो स्टेप करना होगा वो भी मैं आपको ना बता दूंगी कि अब इसके बाद क्या स्टेप है। थोड़ा कलर इसमें मिक्स कर दूंगी कि होना चाहिए। ठीक है, अच्छे मैं अब इसको रेस्ट देती हूँ 3 to 4 hours, उसके बाद फिर आपको बताऊंगी कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। अस्सलाम वालेकुम, तकरीबन 4 to 5 hours हो गए हैं, एग्जैक्टली 5 hours हो गए हैं। अभी भी ये देखें, ये हार्ड है लेकिन ये स्टिकी नहीं है,
मीन्स इसकी सरफेस आपकी उंगली के साथ स्टिक नहीं कर रही है, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है ना, मोल्डेबल है। तो अब इस टाइम पर हम इसको उस सरफेस पे रखेंगे या उस बॉल्स पे रखेंगे जिस पे आपको लगता है कि आपने इसको बनाना है। ये मेरे पास बॉल था, सीरियल बॉल, उसको मैंने क्लिंग रैप कर दिया सिर्फ इस वजह से कि इस पर रेजिन ना लगे, ठीक है, ये सेफ रहे। तो मैं अब इसको आराम से उठाऊंगी और इसको अप्स एंड डाउन इस तरह से मैं रख दूँगी, ठीक है। इसके बाद इसका सेंटर निकाल के बड़े हिसाब से इसको मैं देख लूँगी जहाँ से मुझे छोटा बनाना, ठीक है, ये तकरीबन बराबर हो गया। अच्छा, अब ये देखिए खुद ऑटोमेटिकली नेचुरल वेव्स इसमें आ गई हैं। आप चाहें तो आप अपने पसंद से और अगर ज़्यादा ऐड करना चाहें कर लें, कम करना चाहें कम कर लें। मैं मज़ीद वेव्स थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ एक्स्ट्रा, ये अब आपके पर डिपेंड करता है कि आप इसको क्या डिज़ाइन देना चाहते हैं। अब हम इसको छोड़ देंगे, ये ड्राई हो जाएगा। ये थोड़ा सा वेव आनी चाहिए, इसकी खूबसूरती भी इसमें। समटाइम ऐसा होता है कि आप इसके अंदर इन साइड पर ना फॉइल फॉइल के बॉल्स बना के यहाँ पर रख लेते, क्योंकि ये जिस टाइम टू टाइम ये बैठना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आपको वेव्स चाहिए तो इन वेव्स के अंदर आप फॉइल के बॉल बना के ना तो अंदर रख लें। मैं आपको बताती हूँ वो कैसे करना है। एलुमिनियम फॉइल लें और उसके छोटे छोटे बॉल्स बना लें, और जिस हिस्से को आपने ऊपर रखना है उसके अंदर बॉल डाल लें। ये देखिए रैंडम से ये एलुमिनियम फॉइल है, उसको आपने क्रम्बल करके या इसके जो बॉल बना के, तो वो एरिया जिसको आपने उठाना है उसके नीचे रख के, ठीक है, ऐसे इसको उठा के इसके नीचे मैं रखती हूँ। अगर मैं ये उठाना चाह रही हूँ तो मैं इसके नीचे रख दूँगी। इसको अपनी मर्ज़ी से वाइट भी कर सकते हैं और लेस वाइट भी कर सकते हैं। फॉइल रखने कम से ये थोड़ा सा वाइट हो जाएगा। छोटा सा बॉल बना के जैसे भी मैं इसको उठा के यहाँ रख दूँगी। इस तरह से ये इसमें वेव आ जाएंगे। अब ये जब ड्राई होगा तो कल हम इसको सारा ये हार्ड भी हो जाएगा और इसके फिर हम अंदर से सारा फॉइल भी रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा बॉल बन गया बाउल। अब ये जब ड्राई होगा कल इंशाल्लाह तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखा दूँगी। थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से इसकी लुक आ रही है।